मुझे आपके नशे से ऐतराज नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलना होता है जहां हम कहते हैं कि किसी इंसान को किसी चीज से कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है या कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जैसे, मुझे आपके स्मोकिंग से कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपके स्मोकिंग से कोई आपत्ति नहीं है या कोई ऐतराज नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप आई डोंट माइंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, यानी आप कहेंगे आई डोंट माइंड प्लस जीरेंड। कैसे? आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। मुझे आपके स्मोकिंग से ऐतराज नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट माइंड योर स्मोकिंग। मुझे आपके नशे की लत से कोई ऐतराज नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट माइंड योर एडिक्शन। आपसे मिलने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है या कोई आपत्ति नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट माइंड मीटिंग यू। मुझे पैदल चलने में कोई ऐतराज नहीं है या कोई आपत्ति नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट माइंड वॉकिंग ऑन फुट। मुझे यह करने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट माइंड डूइंग दिस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलना हो जहाँ आप कहें मुझे कोई ऐतराज नहीं है या मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है या मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे आई डोंट माइंड, उसके बाद आप एक जीरेंड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट को चेंज करके भी बोल सकते हैं, जैसे उसे कोई ऐतराज नहीं है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, आपको कोई ऐतराज नहीं है, तो आप आई की जगह पर ही शी यू दे यानी जो आपका सब्जेक्ट है आप उसे लिखेंगे। जैसे, मुझे यहाँ आने में कोई शिकायत नहीं है या कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी डजंट माइंड कमिंग हियर। दवा खाने में उसे कोई ऐतराज नहीं है, ही डजंट माइंड टेकिंग मेडिसिन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां आप सीखेंगे एक कंप्लीट लर्निंग, और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।